गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो हमारा टॉपिक है आज का, उसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सटर्नल में बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो अगर हम कहें तो एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी टॉपिक को अगर आप समझते हैं तो आगे के जितने भी रिमेनिंग लेक्चर्स आप पढ़ेंगे उनमें इस चीज़ का इम्पोर्टेंस आप देखेंगे कि जो चीज़ हम आज पढ़ेंगे ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी आगे के टॉपिक्स के अंदर और उसका क्या यूज़ रहेगा, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस लेक्चर के अंदर। तो अगर हम कहते हैं कि कौन कौन सी तरीके की रिसर्च होती है जहाँ पे हम अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रिसर्च के टाइप्स हैं, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे कुछ रिसर्च मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं एज ए टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर। तो सबसे पहली जो रिसर्च है हमारी, दैट इज़ द बेसिक रिसर्च। और अगर हम बेसिक रिसर्च को डिफ़ाइन करें तो बेसिक रिसर्च के अंदर हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए कर रहे हैं। और अगर हम कहें तो जो मेन मोटिवेशन हमें मिल रहा है इस रिसर्च के अंदर, वो अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए हो रहा है कि हम अपनी इस रिसर्च से क्या कर रहे हैं, नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं तो जो बेसिक रिसर्च है उसको हम नॉन कमर्शियल रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम किसी चीज़ को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ना कि किसी चीज़ को इन्वेंट कर रहे हैं, ना किसी चीज़ का सर्च कर रहे हैं। सिर्फ हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इस रिसर्च के अंदर वो सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही करेंगे। अगर हम एग्ज़ाम्पल से समझें रिसर्च को, तो हम कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हम डिटरमाइन करते हैं अपने एक सिंपल फैक्ट के लिए, तो वो बेसिक रिसर्च में किया जाता है। जहाँ पे हम किसी भी छोटी चीज़ों के लिए, सिंपल फैक्ट्स के लिए क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ अ बेसिक रिसर्च। उसके बाद अगर हम कहें तो सेकंड जो रिसर्च है, दैट इज़ द अप्लाइड रिसर्च। और अप्लाइड जो रिसर्च होती है वो बेसिकली साइंस के अंदर यूज़ की जाती है। तो हम ये कहते हैं कि जो अप्लाइड रिसर्च है उसका जो फोकस है उसमें हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एनालिसिस और सॉल्व करते हैं। और इस तरीके की रिसर्च की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो भी एक रिसर्चर स्टडी करता है वो उसको हेल्प करती है कि वो अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। उनके यूज़ के बेसिस पे क्या करें, वो अपनी जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करें। तो जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसमें जिन भी चीज़ों को हम स्टडी कर रहे हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि हम उन प्रॉब्लम्स और उन इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे हमारे ह्यूमंस के वेलबींग में कोई भी इम्पैक्ट आ रहा है। मीन्स अगर हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो हमें हमेशा अपनी अप्लाइड रिसर्च के अंदर करना होगा, जहाँ पे हम अपने साइंटिफिक मेथड से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर हम एग्जांपल समझें इस तरीके की रिसर्च को, तो फाइंडिंग अ स्पेसिफिक क्योर ऑफ अ डिजीज़, कि जब आप अपनी किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में देखते हैं कि जो डिजीज़ मुझे हुआ है किस किस चीज़ से हुआ है, और उसके रिगार्डिंग आप चीज़ों को सर्च करते हैं कि जैसे अगर मुझे कोई फीवर हो गया तो मैं ये देखता हूँ कि जो फीवर हुआ है वो मुझे किस चीज़ से हुआ है ना। तो हम चीज़ों को उस तरीके से देखते हैं जो कि हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो रिसर्च देखते हैं वो है हमारी प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। और आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये जो रिसर्च है उसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स को ओरिएंटेड कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च है वो तब कंडक्ट की जाती है जब हमें अपने प्रॉब्लम्स के एग्जैक्ट नेचर को समझना हो कि हमारी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट नेचर क्या है, और उसके रिगार्डिंग हम अपने रिलेवेंट सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। तो ये जो टर्म है प्रॉब्लम, ये रेफर कर रही है उन मल्टीपल चॉइसेस को, उन इश्यूज को जहाँ पे हम अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो नेक्स्ट रिसर्च है, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। और अगर हम इस रिसर्च की बात करते हैं तो ये एक तरीके की रिसर्च है जो कि कंडक्ट की जा रही है कंपनीज़ के अंदर, जहाँ पे हम अपनी रिसर्च के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो जितने भी बिजनेसेज हैं, जितने भी कंपनीज हैं, उसमें इस तरीके की रिसर्च को किया जाता है जहाँ पे वो अपने बिजनेस के अंदर, अपनी कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो जब हमें ये समझना होता है कि क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनका किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे, वो सब प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च में किया जाता है। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स है जो कि यूज़ की जा रही है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च के अंदर, तो वहाँ पे हम अप्लाइड रिसर्च
का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम अपनी सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं कि मेरी पहले भी कोई प्रॉब्लम्स आई थी और उसके रिगार्डिंग मैंने क्या चीज़ें देखी थी, क्या चीज़ सर्च की थी, और उसके बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, अपनी इस रिसर्च को कंडक्ट करता हूँ। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट रिसर्च है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। अगर हम कहें कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च एक प्रोसेस है जहाँ पर हम कोई इंक्वायरी कर रहे हैं और उस इंक्वायरी के बेसिस पे अगर आप देखेंगे कि जिस रिसर्च के अंदर इंक्वायरी की जा रही है वो हमें हेल्प करती है कि हम उसकी डेप्थ लर्निंग करें। मीन्स अगर हम उन चीज़ों को डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चीज़ों को देख रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ रहे हैं हमारी नेचुरल सेटिंग से वो किस तरीके की चीज़ों पे है, और उसके रिगार्डिंग हम कोई इंक्वायरी कर रहे हैं उन चीज़ों को समझने के लिए डेप्थ में घुस के, तो हम ये कहते हैं कि वो रिसर्च जो की जाएगी वो क्वालिटेटिव रिसर्च में की जाएगी। तो अगर हम कहते हैं तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो एक तरीके की नॉन स्टैटिकल मेथड है, और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम नॉन स्टैटिकल मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हैवीली डिपेंडेंट है किस पे, एक रिसर्चर के एक्सपीरियंस पे, और जो क्वेश्चन वो यूज़ कर रहा है अपने सैंपल के थ्रू, तो वहाँ पे वो जब भी किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को कवर करेगा तो वहाँ पे सैंपल साइज़ को देखेगा, और हम जो सैंपल साइज़ लेंगे वो 6 और 10 से कम लेंगे। और अगर हम किसी भी क्वालिटेटिव रिसर्च को कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ करना होगा, जो कि इस तरीके से इस मैनर में पूछे जाएं जहाँ पे वो आंसर्स को इंकरेज करें, लीड करें कि वो अनदर क्वेश्चन या ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को कर सके। और जो पर्पज़ होता है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चंस को पूछने का, वो ये होता है कि हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें, और पॉसिबल हो तो हम उसको सैंपल से कलेक्ट करें, जो कि हम अपनी एक पूरी पॉपुलेशन में सेलेक्ट करके बैठे हैं। तो आप देखते हैं कि इस तरीके की रिसर्च के अंदर जो मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम 1-to-1 इंटरव्यू करते हैं, फोकस ग्रुप होता है, इथनोग्राफिक रिसर्च की जाती है, कॉन्टेंट और टेक्स्ट एनालिसिस की जाती है, और केस स्टडी रिसर्च की जाती है। उसके बाद आप देखें तो जो नेक्स्ट रिसर्च है हमारी, दैट इज़ द क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर हम देख के कहें कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पे हम जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी डाटा एनालाइज कर रहे हैं, वो एक ड्रॉ कॉन्क्लूजन के लिए कर रहे हैं, उसका एक ड्रॉ कॉन्क्लूजन हम प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव मेथड्स के अलावा देखें तो कुछ मेथड्स का यूज़ हम अपने कंप्यूटेशनल या स्टैटिकल प्रोसेस के लिए करते हैं, और उन डाटा को जो कलेक्ट हम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो एक स्टैटिकल फॉर्म में करते हैं। तो दैट मीन्स वहाँ पे हम अपने क्वांटिटेटिव रिसर्च को कर रहे हैं, और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आप देखेंगे कि जो भी हम क्वांटिटी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक नंबर फॉर्म में होगा। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं उस लार्जर पॉपुलेशन को, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम डाटा कलेक्ट कर सकें। और अगर हम देखते हैं तो जो डाटा हम एनालिसिस कर रहे हैं उससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, और इस मेथड के अंदर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं, जहाँ पे रिसर्चर टिपिकली क्या करता है, अपने स्टैटिकल डाटास को गैदर करता है, कलेक्ट करता है। तो आप देखते हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उनके अंदर हम ऑनलाइन सर्वे, क्वेश्चनरीज, पोल्स का यूज़ करते हैं एज ए मेथड के रूप में, जहाँ पे हम डाटा कलेक्शन टूल का यूज़ करके क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च को हेल्ड करते हैं, कंडक्ट करते हैं। और अगर हम देखें तो इस तरीके की रिसर्च के अंदर जितने भी वेरियस मेथड्स हैं उससे हम अपने सर्वेज और क्वेश्चनरी के थ्रू उन डाटास को कलेक्ट करते हैं जो कि हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशंस देंगे। तो ऑनलाइन जो सर्वे होता है वो अलाउ करता है एक सर्वे क्रिएचर, जहाँ पे हम रिच करते हैं उस लार्जर अमाउंट ऑफ पीपल पे और उस स्मॉलर फोकस ग्रुप पे, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च को कंडक्ट करते हैं अपने डिफरेंट गोल्स के मीट कराने के लिए। तो जो सर्वे रेस्पोंडेंट्स हैं वो उस सर्वे के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन, ईमेल्स का यूज़ करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं उस सर्वे को कंप्लीट करने के लिए, और वहाँ पे वो अपने जो भी सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको ऑनलाइन फिल करते हैं। तो ये जो थी, ये हमारी टाइप्स ऑफ रिसर्च थी, हम कह सकते हैं ये हमारे रिसर्च मेथड से जो कि एक रिसर्च में किए जाते हैं।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बताएंगे कि क्या पर्पस होता है रिसर्च का। तो अगर हम कहें तो रिसर्च के 3 पर्पसेस होते हैं। पहली अगर रिसर्च के बारे में हम बात करें तो वो है एक्सप्लोरेटरी। और आप इस रिसर्च से समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए इस रिसर्च का नाम रखा है एक्सप्लोरेटरी। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है जहाँ हम ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और हम जो भी आंसर्स या एनालिटिकल चीज़ों को देखते हैं उससे हम फाइनल कंक्लूजन को ऑफर करते हैं जो कि हमारी प्रिसाइड प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। और जो रिसर्च कंडक्ट की जा रही है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर, हम उनमें न्यू प्रॉब्लम एरियाज़ को हैंडल कर रहे हैं जहाँ पे हम उसको एक्सप्लोर करने से पहले देखते हैं। तो जो एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस है वहाँ पे हम उस ले ऑफ द फाउंडेशन को एक कॉन्क्लूसिव रिसर्च और डाटा कलेक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उन एक्सप्लोर के बेसिस पे हम चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हैं और एक फाइनल कॉन्क्लूजन उसका दे रहे हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि जो नेक्स्ट पर्पज़ है दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो फोकस करती है अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए किसी भी करंट इशू के अंदर। और वो जो हम अपने करंट इशूज से अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो एक प्रोसेस है एक डाटा कलेक्शन का। और जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी की जाती है उसका यूज़ किया जाता है वो हम अपने बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए, सैम्पल पॉपुलेशन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है वहाँ पे हम एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। और हम कहें तो जो 3 मेन पर्पज़ हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के वो है डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग एंड वैलिडेटिंग द फाइंडिंग्स। तो अगर मैं आपको इस रिसर्च को एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो अगर कोई स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हैं कि आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट लीडर्स 21 सेंचुरी के अंदर किस तरीके के मॉरल राइट्स को रिसीव करेंगे, जहाँ पे वो ह्यूज सम ऑफ मनी अपने कंपनी प्रॉफिट से लेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट लीडर्स हैं उनका 21 सेंचुरी के अंदर क्या मॉरल राइट है कि वो अपने जो कंपनी प्रॉफिट है उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे या उससे ज़्यादा से ज़्यादा मनी गेन करेंगे, रिसीव करेंगे। इसके बाद अगर हम कहें तो जो लास्ट पर्पस होता है रिसर्च का दैट इज़ एक्सप्लेनेटरी। और अगर हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात करें तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को कैजुअल रिसर्च भी कहते हैं। और इस तरीके की रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है जब हमें उन इम्पैक्ट्स को समझना हो जो कि अपने एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में चेंजेस होने के टाइम होती है। तो अगर किसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अंदर या जो पहले के स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है और उससे आपकी पर्टिकुलर चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ के लिए हमें एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को कंडक्ट करना होता है। और इस तरीके की रिसर्च के अंदर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। तो अगर हम मोस्ट पॉपुलर फॉर्म देखें तो वहाँ पे हम कैजुअल रिसर्च को कर रहे होते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है अपने उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर को देखने के लिए जो कि चेंज हो रहे हैं और उससे हमारे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर आप इस रिसर्च को एक एग्जांपल से समझें, तो अगर कोई स्टडी हम इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम ये समझें कि जो रीब्रांडिंग हम अपने प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की कर रहे हैं अपने कस्टमर लॉयल्टी के लिए, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उससे हमारी सेल्स इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, जब हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की रीब्रांडिंग करेंगे अपने कस्टमर की लॉयल्टी के लिए, तो उसका इफ़ेक्ट किस तरीके का रहेगा हमारे बिज़नेस पे, हमारी कंपनी पे। तो अगर आपको इस इफ़ेक्ट को देखना है तो आपने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि आपका जो कंपनी है वो एक ब्रांड को प्रीफर करती है, तो उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं जहाँ पे आप रीब्रांडिंग कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज की, उसका इम्पैक्ट आपकी कंपनी पे, बिज़नेस पे, आपकी सेल्स पे, आपके प्रॉफिट पे क्या होगा, उसको समझने के लिए आपने क्या की यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या कैजुअल रिसर्च की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।